पता नहीं चलेगा कि विश्वकर्मा जी को ये श्राप कैसे मिला, ना ही उन्हें कुछ याद आएगा, ना ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो कैसे पता लगाऊं इस बात का? कैसे पता लगाऊं इसका? कौन बता सकता है इस श्राप के बारे में मुझे? हाँ, मतंग ऋषि मेरी सहायता कर सकते हैं। अहो भाग्य मेरे, जो आपने मुझे याद किया। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ऋषिवर, एक गंभीर समस्या आन पड़ी है, जिसे आप भी हल कर सकते हैं। अवश्य प्रभु, मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान निकाल पाऊं। प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, सब कार्य करने में समर्थ हैं, फिर भी अपने भक्त का मान बढ़ाने के लिए आपने सहायता मांगी है। बोलिए प्रभु, मुझे क्या करना होगा? ऋषिवर, देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा जी किसी शाप के कारण वानर के रूप में भटकने के लिए विवश हो गए हैं। हमें ये बताइए कि उनके साथ क्या हुआ, ये शाप उन्हें कैसे मिला? प्रभु, लगभग 5 माह पहले की बात है, जब एक दिन देवलोक में विश्वकर्मा जी ने देवताओं को अपने महल में आमंत्रित किया था। हे देवों, गंधर्वों, विद्याधरों, आप सब इस ब्रह्मांड में अपने अपने स्थान में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आप सबने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे महल में पधारकर इस महल की शोभा बढ़ाई। विश्वकर्मा जी, ये तो बताइए कि हमें आमंत्रित करने का प्रयोजन क्या है? हमने आप सबको बड़े ही विशेष प्रयोजन से आमंत्रित किया है। हमारी पुत्री चित्रांगदा अब विवाह योग्य हो चुकी है और हम चाहते हैं कि वो अपने विवाह के लिए आप सब में से किसी एक को अपना वर चुन सके। आप कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी अपनी पुत्री को लेकर आते हैं। चित्रांगदा, ये सब क्या है और तुम इस तरह रो क्यों रही हो? इसका कारण आप ही हैं पिताजी।
ये क्या कह रही हो चित्रांगदा? मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे विवाह नहीं करना है, फिर भी आपने मेरे स्वयंवर के लिए सबको बुलाया। चित्रांगदा, ऐसा नहीं होता। हर किसी को विवाह करना पड़ता है और एक पिता का कर्तव्य होता है कि उसकी पुत्री एक योग्य और शालीन वर से विवाह करके अपने घर जा सके। सुना है चित्रांगना अपूर्व सुंदरी है। हाँ देवधर, मैंने तो देखा है उसे। देवराज इंद्र के दरबार में भी ऐसी कोई सुंदरी नहीं है। पता नहीं कौन भाग्यवान होगा जिसके गले में चित्रांगदा वरमाला डालेंगी। किंतु मैं ये विवाह नहीं करूंगी। किंतु मैंने सबको आमंत्रित किया है। यहाँ सब श्रेष्ठ देव, गंधर्व, विद्याधर हैं। और सोचो, अगर तुम स्वयंवर में नहीं आओगी तो तुम्हारे पिता का कितना अपमान होगा। किंतु मैंने तो नहीं कहा था सबको आमंत्रित करने के लिए। इसमें मेरा क्या दोष है? दोष? हाँ हाँ, दोष तो सारा मेरा ही है। मैंने बचपन से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। बचपन में तुम्हारी माँ चली गई तो मैंने ही तुम्हें माता पिता दोनों का स्नेह दिया। यही दोष है मेरा। पिताजी, मैंने भी सदा पुत्री धर्म निभाया है और हमेशा यही प्रयत्न किया है कि कभी किसी भी कारणवश आपका हृदय ना दुखाऊं। फिर आज क्यों दुखी कर रही हो तुम मुझे? जब आज तुम्हारे पिता की प्रतिष्ठा की बात है, फिर क्यों भरी सभा में अपने पिता का अपमान करना चाहती हो तुम? और इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी कि एक पुत्री भरी सभा में अपने पिता के अपमान का कारण बने। पिताजी, आपका मुझ पर पूरा अधिकार है। आपकी पुत्री होने का ऋण है मुझ पर और मैं ये ऋण अवश्य चुकाऊंगी। मैं विवाह करूंगी, परंतु उस वर के साथ जिसे मैं स्वयं चुनूं। हाँ, ये अधिकार तुम्हारा ही है, किंतु तुम्हें आमंत्रित अतिथियों में से ही अपना वर चुनना होगा। देवो, गंधर्वो, विद्याधरो, आप सब श्रेष्ठतम देव हैं। मेरे पिता ने आज मेरे स्वयंवर के लिए आप सबको यह आमंत्रित किया है और मुझे यह अधिकार है कि मैं अपने इच्छा से अपना वर चुन सकूं। आप हम सब में से जिसे भी अपने योग्य वर के रूप में चुनेंगी वो भाग्यवान होगा। किंतु मैं आप सब में से किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। किंतु मैं आप सब में से किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। किंतु मैं आप सब में से किसी से भी विवाह नहीं कर सकती। मैं पृथ्वी लोक के राजा सूरज से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी। क्योंकि मैं पृथ्वी लोक के राजा सूरज से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी। क्योंकि मैं पृथ्वी लोक के राजा सूरज से प्रेम करती हूँ और उसी से विवाह करूंगी।
शिवर, ये क्या कह रहे हैं आप? भरी सभा में ऐसा कहना तो विश्वकर्मा जी का अपमान है। उनकी पुत्री होकर भी चित्रांगदा ने ऐसा किया? यही सत्य है मारुति। चित्रांगदा पृथ्वी लोक के राजा सूरत के प्रेम में बावली हो गई थी, किंतु विश्वकर्मा जी चाहते थे उनकी पुत्री का विवाह देवलोक के किसी देवता से हो, क्योंकि पृथ्वी लोक के वासियों का जीवन बहुत कम होता है, जबकि देवताओं का जीवन कल्प रहने तक होता है। चित्रांगदा के कारण विश्वकर्मा जी का देवलोक में बहुत अपमान हुआ, इसीलिए अपनी पुत्री पर वो बहुत अधिक क्रोधित हुए। फिर क्या हुआ ऋषिवर? एक दिन पुनः विश्वकर्मा जी ने चित्रांगदा को समझाने का प्रयास किया। चित्रांगदा, तुम समझने का प्रयास करो पुत्री, पृथ्वीवासियों का जीवन बहुत कम होता है, इसीलिए हम पृथ्वी को मृत्यु लोक कहते हैं। पिताजी, मैंने वचन दिया है, विदर्भ के राजा सूरत को, वे महान सम्राट हैं। पुत्री, पृथ्वीवासियों का राजा महाराजा कितना भी महान क्यों ना हो, किंतु जो पृथ्वी पर जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मृत्यु अवश्य प्राप्त होती है। बहुत ही कम समय का जीवन होता है इनका। पिताजी, सच्चा प्रेम अगर कुछ पलों के लिए भी मिलता है तो वो सदियों के जीवन से अच्छा ही होता है। चित्रांगदा, ये सब कहने की बातें हैं, व्यवहारिक जीवन में इसका कोई मोल नहीं है। प्रेम में कोई मोल तोल नहीं देखा जाता। मैं विवाह करूंगी तो महाराज सूरत से ही। वाह, बहुत अच्छा ऋण चुकाया तुमने हमारे स्नेह का। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारी पुत्री, जिसको हमने लाड़ प्यार से पाला पोसा, वो हमारे अपमान का कारण बनेगी। आज सारे देवलोक में हमारी हंसी उड़ाई जा रही है कि विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री को अच्छे संस्कार नहीं दिए। पिताजी, मैंने कोई अधर्म का कार्य नहीं किया है। यदि मैं आपको बिना बताए कोई अनुचित कार्य करती तो आपका अपमान होता। पिताजी, मैं महाराज सूरत से प्रेम करती हूँ और उन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। ये तो आपको भी ज्ञात था। पुत्री, हम देवलोक में रहते हैं और हमारा धरती लोक के मनुष्य से कैसे मेल हो सकता है? कुछ क्षण के लिए प्रेम होना एक अलग बात है, किंतु विवाह के लिए सब ऊंच नीच देखना पड़ता है। पिताजी, प्रेम में कोई ऊंच नीच नहीं देखा जाता। प्रेम तो मन से मन और हृदय से हृदय का मेल है। पिताजी, यदि आप मेरा विवाह किसी और से करा देंगे तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। पिताजी, हमारा प्रेम सच्चा है, इसे स्वीकृति दे दीजिए। मुझे महाराज सूरत से विवाह करने की अनुमति दे दीजिए। मुझे अनुमति दे दीजिए पिताजी। बस बहुत हो गया, अब एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारा विवाह सूरत या पृथ्वी के किसी वासी से कदापि नहीं होगा, तुम्हारा विवाह देवलोक के किसी देवता के साथ ही होगा। तुम्हारा विवाह सूरत या पृथ्वी के किसी वासी से कदापि नहीं होगा, तुम्हारा विवाह देवलोक के किसी देवता के साथ ही होगा। पिताजी, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, परंतु मैं महाराज सूरत को दिया हुआ वचन भी नहीं तोड़ सकती। मुझे क्षमा करें पिताजी, मुझे क्षमा करें।
चित्रांगदा? पृथ्वी लोग जा रही हूँ, अपने प्रियतम महाराज सूरत के पास सदा के लिए, अपने प्रियतम महाराज सूरत के पास सदा के लिए। नहीं कर रही हो चित्रांगदा। मैं कोई पाप करने नहीं जा रही हूँ चित्रांगदा। तुम्हारे निर्णय से तुम्हारे पिता ही नहीं, देवलोक और देवताओं का भी अपमान होगा। हाँ हाँ, सब लोग यही कहेंगे कि देवलोक में पृथ्वी के राजा सूरत से अच्छा और कोई देवता ही नहीं है। और फिर अपने पिता की अवज्ञा करना भी अनुचित ही है। मैं तो पिताजी से अनुमति लेना ही चाहती थी, परंतु उन्होंने ही मना कर दिया। मैं महाराज सूरत के प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं महाराज सूरत के प्रेम को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस देवलोक का सुख भी मेरे प्रेम के समक्ष तुच्छ है, इसलिए मैं जा रही हूँ सदा के लिए। चित्रांगदा कुछ अनर्थ कर बैठे, हमें ये सूचना विश्वकर्मा जी को देनी होगी। यदि आप मेरा विवाह किसी और से करा देंगे तो मैं कभी भी सुखी नहीं रह पाऊंगी। पिताजी, हमारा प्रेम सच्चा है, इसे स्वीकृति दे दीजिए। मुझे महाराज सूरत से विवाह करने की अनुमति दे दीजिए। विश्वकर्मा जी, प्रणाम देव। कल्याणम भव। तुम तीनों एकाएक यहाँ? विश्वकर्मा जी, हम सबको जिस बात का भय था वही होने जा रहा है। ये क्या कह रही हो चंद्रकला? चित्रांगदा पृथ्वी लोक की ओर जा रही है। यदि समय रहते हुए उसे नहीं रोका गया तो वो अवश्य ही बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेगी।